क्या आप अपनी फोटोज की बैकग्राउंड को चेंज कर करके थक चुके, लेकिन एचडी में डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो कि रिमूव बिजी, जो कि आप लोग में से हर एक बंदा जानता होगा, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जानते होंगे रिमूव बिजी के बारे में। उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड भी चेंज करते होंगे, लेकिन वो एचडी में डाउनलोड नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। सो क्या आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एकदम एचडी में कैसे डाउनलोड कर सकते हो वन क्लिक, बिल्कुल वन क्लिक। जैसे आप रिमूव बिजी सर्च करके फोटोज़ की बैकग्राउंड को आप लोग चेंज कर लेते हो, मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक बार आप सर्च करोगे गूगल पे और तुरंत अपनी फोटोज़ को अपलोड करोगे और तुरंत आपकी फोटोज़ की बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। सो मेरा नाम है केशव एंड आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल केशव यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों आ चुका हूँ अपनी फोन स्क्रीन पे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है क्रोम ब्राउजर को ओपन। तो जैसा कि मैं, मेरा क्रोम ब्राउज़र कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इसके अंदर है क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ से मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे हमने सर्च करा, तो अब आपको करना क्या, आपको यहाँ पे सर्च बार में जाके ऊपर सर्च कर लेना है स्लेजर। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस जगह पे डायरेक्टली आ सकते हो। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में एक ऑप्शन शो होने लगेगी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपली से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सेम टू सेम रिमूव बिजी की तरह है, लेकिन वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी अच्छा भी। इस पर आप काफ़ी अच्छी एचडी, मतलब बहुत ही अच्छा इस पर बैकग्राउंड चेंज होता है। आप चाहो तो इसे ट्राई करके ज़रूर देख लेना उस, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको मैं बताऊंगा आगे। तो आपको सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे 100% ऑटोमेटिक एस फ्री लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज होता है। आपको करना क्या है, इस पर भी सेम प्रोसेस है, आपको सिर्फ अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। जैसा यहाँ पर अपलोड इमेज पर आप क्लिक कर लेते हो, आपको दोबारा से बोलेगा क्लिक करने के लिए। मैंने यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपके फाइल्स ओपन होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मेरा फाइल्स ओपन हो चुका है, आपको करना क्या, आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी आपको बैकग्राउंड चेंज करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं इस फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेके आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर डन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड चेंज होकर आएगा। देख सकते हो गाइस, बिल्कुल आपको देखने में ही लग रहा होगा कि मतलब कैसा, कितना अच्छा बैकग्राउंड चेंज हुआ। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये मतलब एप्लीकेशन के बारे में कैसी लगी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उस प्रॉब्लम्स के बारे में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, डाउनलोड एचडी इमेज एंड डाउनलोड प्रीवियस इमेज। तो आपको करना क्या, आपको एचडी में चाहिए तो आपको कर लेना है इस पर डायरेक्टली। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे कहेगा साइन अप करने को। तो आपको सिंपली से करना कुछ नहीं, आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देनी है, और आपको एक जो पासवर्ड खुद का चाहिए आपको उसको इस पर डाल देना। ओके, उसके बाद आई एम नॉट ए रिवॉर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से साइनअप कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने पहले से साइनअप कर रखी है, तो मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लिया, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे कह रहा है मेरा, हमको लॉगिन करने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा यहाँ से पहले से लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाऊँगा। ओके, आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। देख सकते हो गाइस, कुछ इस टाइप का आपके फ़ोन में इंटरफेस शो होगा जब आप लॉगिन होगे। तो उसके बाद आपको बैक आ जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, उसके बाद आपको फिर से अब आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हो, अब आप डाउनलोड कर, क्लिक करने के बाद आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहां पर डाउनलोड करके दिखा देता हूं, पे क्लिक कर दिया, यहां पे देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। जैसे यहां पे हो भी चुका है डाउनलोड, देख सकते हो गाइस, यहां पे मैंने इसे ओपन करा, देख सकते हो कुछ इस टाइप का एकदम एचडी में आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। इस चीज़ के बारे में शायद ही कोई मतलब बताया होगा, तो मुझे पता था पहले से, मैं सोच रहा था बहुत पहले कि मैं इस पे वीडियोस को बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पाता था। लेकिन आज कैसे कैसे टाइम निकाल के मैं इस वीडियोस को आपके सामने लेके आ गया हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को एक लाइक कर दें और एक बढ़िया सा कॉमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आते तो वीडियोस को एक लाइक कर दे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, उसको सेलेक्ट कर ले ऑल पे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस को अपलोड करूँ
आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।